Alright guys, तो आज अपने पास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा स्नेक इज नोन एज विटेकर सैंड बोआ। हाँ जी, एक सैंड बोआ की स्पीशीज है। ऑलरेडी हम लोग ने रफकेल सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ देख चुके हैं अपने इस पेज के ऊपर। दिस इज द विटेकर सैंड बोआ, एक और स्पीशीज है। इसको विटेकर सैंड बोआ इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो टेल है वो डिफर करती है रफकेल सैंड बोआ की तरह। दोनों कलरेशन में सेम दिखते हैं, बट ये जो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही पर्टिकुलरली मिला जाते हैं। मतलब जैसे आप गोवा से नीचे जाओगे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग साइड से अगर आप जैसे नीचे जाओगे तो उस एरिया के अंदर ही ये सब मिलता है। रोमुलस विटेकर सर के नेम के पीछे इनका जो नाम है वो रखा गया है, सेम है। बाकी सारी चीजें नॉन वेनमस स्नेक यूजुअली शांत रहते हैं, मिट्टी में रहना पसंद है, चूहे खाते हैं, फ्रॉग्स खाते हैं, मुर्गी के बच्चे वगैरह खाना प्रेफर करते हैं। बस ये इतनी चीज पे डिफर होता है कि इसकी जो ये टेल है ये भी इसके हेड के तरह ही थोड़ी बहुत दिखती है, बट इसकी जो टेल है रफ नहीं रहती है बल्कि ये बहुत ज्यादा स्मूथ रहती है इन कंपेयर टू कॉमन सैंड बोआ। एक गलती से एक मिट्टी के लॉट के अंदर से बॉम्बे में आ गया था, एंड दिस गाइस कैन सर्वली स्टे इन टू बॉम्बे, तो हम लोग इसको पास वाले राजोला बाजार के अंदर लेके आए हैं। फटाक से रिलीज हो जाएगा, इसका लोकोमोशन बहुत स्लो रहता है, पाइथन की तरह दिखता है बट पाइथन नहीं है और ज्यादा बढ़ते नहीं है, 4 to 5 feet लॉन्ग। तो आइए फटाक से इसको रिलीज करते हैं। इसको फटाक से रिलीज तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये बहुत स्लो रहता है। सो हियर ही गोस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।